हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नीडल्स, विभिन्न सुइयाँ एवं टीके परिचय, इंट्रोडक्शन टू वायरस नीडल्स एंड सिरिंज। नीडल्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलते बढ़ते हैं सुइयाँ नीडल्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक नुकीली स्टील की बनी होती है। यह विभिन्न प्रकार की हो सकती है, आकार या चौड़ाई के आधार पर। इसकी चौड़ाई को गोज में पाया मापा जाता है। सामान्यतः निम्न मोटाई की सुइयां उपयोग में ली जाती हैं। 24 गेज यह सबसे पतली होती है, 22 गेज, 20 गेज, 18 गेज, 16 गेज सबसे मोटी होती है। इसी प्रकार इंसुलिन नीडल्स, ट्यूबरकुलिन नीडल्स भी होती हैं या सिरिंज में पहले से फिट होती हैं। उपयोग के आधार पर या निम्न प्रकार की हो सकती हैं। इंजेक्शन नीडल, थ्रोसेंटिस नीडल, लंबर पंचर नीडल, टोकर नीडल, बोन पंचर, बोन मैरो नीडल्स इत्यादि। आकृति के आधार पर यह निम्न प्रकार की हो सकती हैं। सीधी, घुमावदार, किनारे की आकृति जैसी नीडल्स, स्टिलिंग कटिंग, रिवर्स कटिंग एड्स, सीजर्स, टांके। यह एक प्रकार का धागा होता है जिसका उपयोग त्वचा के दो कटे हुए किनारों को परस्पर जोड़ने में किया जाता है। प्राय सूचर में आगे एक निडिल होती है जिसके पिछले सिरे में एक धागा जुड़ा होता है। या धागा दो प्रकार का हो सकता है, अवशोषित होने वाला, अवशोषित ना होने वाला। टीके की साइज, टीके के निम्न साइज हो सकते हैं 8.865432111123। टांके के प्रकार, टांके के निम्न आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। स्रोत के आधार पर प्राकृतिक स्लिक, कॉटन, कॉटगट, कृत्रिमिक, बाइक्रिल, प्रोल, स्टेप, नायलॉन, मैक्सॉन, स्टेपलर। अवशोषित होने के गुण के आधार पर कटिंग, टांके लगाते समय अब्सोर्वेल सूचर्स का उपयोग अंतराओं और आंतरिक अंगों में टांके लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बाहरी त्वचा पर प्राय स्लिंग या न्योलॉन या कॉटन के टांके को मजबूती से लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आजकल स्टेपलर्स का चलन हो गया है जिसमें कोई धागा भी नहीं होता है या किताब कॉपी में लगाए जाने वाला स्टेपलर की तरह ही होता है। नेक्स्ट है टांके निम्न विधियों में लगाए जाते हैं। पॉइंट है इसके एक एक टांका अलग अलग, सभी टांके लगातार। नेक्स्ट है लॉकेट इत्यादि। सूचर्स को स्टिच भी कहा जाता है। यह एक टांका निम्न प्रकार का बना हुआ होता है, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको बाद में मैं पढ़ाऊँगी प्री ऑपरेटिव केयर। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।